अस्सलाम वालेकुम मौजूद साथे कराम, आज हमने बच्चों को मूवर्स में जिस हर्फ की पहचान करवाई और उससे बनने वाले जो अल्फाज हमने उन्हें याद करवाए वो है वाओ। वा वाओ, वा की शक्ल, वा की शक्ल से शुरू होने वाले जितने अल्फाज हैं वो बड़े आराम से पहचाने जाते हैं। बहुत ही वाज़ह है क्योंकि इसमें वाओ की कोई छोटी शक्ल नहीं है, ये किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर नया लफ्ज़ नहीं बनता, बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है। ज़्यादातर वाओ अलग से इस्तेमाल होता है, तो जब वाओ अलग से ही लिखा हुआ नज़र आए तो बच्चे बहुत आराम से पहचान लेते हैं कि ये वाओ से शुरू होने वाला लफ्ज़ है। जैसे वकार, वकार ने वर्दी पहनी, वा से वाओ सामने नज़र आ रहा है, वर्दी में भी वाओ सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह से वर्जिश करना अच्छी आदत है, इसमें वाओ वर्जिश बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। वाओ की पहचान के लिए हम यही कर सकते हैं कि सामने बोर्ड पर भी बहुत से छोटे छोटे से जुमले लिख दें जिनमें वाओ के अल्फाज इस्तेमाल हुए हों। ऐसे कार्ड्स लिख दें सामने और बच्चों से कहें कि आप इसमें अलग से वो लफ्ज़ निकालें जो वाओ से शुरू होता है, जैसे वर्जिश, वकार, केला, सेब। ये तमाम अल्फाज हम बड़े बड़ा करके कार्ड के ऊपर सामने उनके रख देते हैं और हम कहें कि आप इनमें से वो कार्ड उठा कर लाएँ जो वाओ से शुरू होता है लफ्ज़। इस तरह की मशक करने से बच्चों को आसानी से याद हो जाता है, ज़्यादा जल्दी वो याद कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट का लिंक आपको सामने नज़र आ रहा है, उस पर तमाम रिसोर्सेज दस्तियाब हैं जो बहुत मावन मददगार आपकी साबित हो सकती हैं। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।